शनिदेव को मेरा प्रणाम। ठीक है, वही देखने को मिला है रास्ते में, एक्सीडेंट हो गया किसी का। नमस्ते अंकल जी। राम राम अंकल जी। राम राम। अबे भाई नहीं नहीं केटीएम साथ में पीछे बैठ के फिर कभी। तो बाइक है वो हमने वार्म अप पे लगा दी है और दो मिनट के बाद निकलेंगे एक नई सुबह की शुरुआत और आपके साथ। व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। शनिदेव को मेरा प्रणाम। जय शनिदेवा। आज दिन है संडे का, तो इसी बहाने अपनी संडे राइड भी हो जाएगी और साथ में एक काम था कैथल की ओर, तो वो काम भी निपट जाएगा। काम ये था आपके लिए, मैं एक जानकारी बता दूं कि वहाँ पर कोई मतलब ऐसा एक डेरा बताते हैं कि जहाँ पर कुछ कैप्सूल्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो दर्द है वो ठीक हो जाते हैं। वहाँ से कैप्सूल लेंगे और फिर उनके पास उनका लैब टेस्ट करवाएंगे कि उन कैप्सूल के अंदर कहीं नशा तो नहीं है। मेन रीज़न है कि मैं वो कैप्सूल लेने के लिए जा रहा हूँ। और वाह यार, सूरज देवता को देखो किस प्रकार अपनी सुबह सुबह की रोशनी को बिखेरते जा रहे हैं यार। लाल लाल देखो कितना अच्छा लग रहा है। और बताओ दोस्तों, सब मज़े में है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो चलिए आप सभी के साथ इस राइड को एक अच्छी मॉर्निंग वाली अच्छी राइड बनाते हैं, तो चैनल पर बने रहें। मॉर्निंग के अंदर जो राइड का जो मज़ा होता है ना, वो एक अलग ही मज़ा है। सुबह जिस प्रकार से आप सूरज देवता को देखते हुए निकलते हो, थोड़ी थोड़ी ठंड आपको महसूस होती है और जैसे ही बाइक का थ्रॉटल बढ़ाते हो उसके बाद बाइक ऐसी खींचती है अपने को मज़ा आ जाता है भाई सच में। एक बात बताना आपको मैं भूल गया, मैं पीछे पुणे गया था तो वो ऑलरेडी वीडियो सारी कंप्लीट है, वीडियो बन चुकी है लेकिन वो अपलोड नहीं हुई है। वो शायद उसमें वीडियो में दिक्कत है या फिर पता नहीं सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, कहाँ आ रही है, पर मैं जल्दी ही उसका सॉल्यूशन निकाल कर और इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा, वो भी आप ज़रूर देखना। हालाँकि मेरा रास्ते में कैमरा है वो उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी तो थोड़ा सा आधा अधूरा बना था, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों की जो नीड मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे रास्ते में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पावर बैंक होना चाहिए, अलग से दो बैटरी होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तब जाकर आपका व्लॉग है वो प्रॉपर तरीके से लोगों के सामने आता है। अपने इस दोस्त को सपोर्ट करते रहना। और अभी हम पहुँच गए हैं मोनू के गाँव शाहपुरिया, यहाँ से बट्टू फतेहाबाद बुन्ना इस प्रकार से हम निकलेंगे। जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ की एक अलग चीज़ मैं आपको दिखाऊँ ताकि आप घर बैठे इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। और आपके लिए एक सूचना है कि अप्रैल के मिड या फिर एंड में हम जा रहे हैं लद्दाख, तो अगर कोई भाई लद्दाख के लिए इंटरेस्टेड है, प्लस उसकी बाइक उसके पास होनी चाहिए और या तो बुलेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास R15 है तो भी दिक्कत नहीं है, MT है तो भी दिक्कत नहीं है, मतलब 150 cc की बाइक तो कंपलसरी है। तो क्योंकि हमारा जो ग्रुप है हम उस ग्रुप में जाएंगे, ये मान के चलो कि प्लान हमारा लगभग पूरा कन्फर्म है, बस डिसाइड ये करना है कि हमको अप्रैल के मिड में जाना है या फिर एंड में जाना है, बस वो डिसाइड करना बाकी है। बाकी सब कुछ डिसाइड है, वो हो चुका है, तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जो लद्दाख सीरीज़ आएगी तो उसकी आप प्रॉपर वीडियो देखना, लद्दाख की आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जगह आपको दिखाऊंगा मैं और पूरा मज़ा आएगा गाइज सच में। A1 साथ में म्यूज़िक और साथ में इस प्रकार से सूर्य की किरणें आ रही है और मीठी मीठी ठंड हो और लंबा रास्ता हो, बस भाई कैसे चलती जाए उसका एक अलग ही मज़ा है। अभी हम पहुंच चुके हैं भट्टू और भट्टू का ये पुल है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इससे जब हम सनराइज और सनसेट देखते हैं ना तो अलग ही मज़ा है, क्योंकि एक तो पूरा ऊपर है और इधर आप देखोगे तो आपको रेल की पटड़ी और खंबे ही खंबे नज़र आएंगे दूर तक, और इस साइड देखोगे तो आपको शहर और आपको हरी फसलें नज़र आएंगी, तो इस वजह से ये मेरा फेवरेट है यहाँ का। ये बैठे हैं बंदर के बच्चे। हेलो हेलो बंदर जी मस्त है, लड्डू खा रहे हैं
चलो सही है। तो अभी फतेहाबाद है वो मैंने क्रॉस कर लिया और अभी हम फतेहाबाद जो बूना रोड है बूना पहुंचने वाले हैं। तो रोड की जानकारी दे देता हूं मैं आपको, फिलहाल इस टाइम जो रोड की हालत है वो कुल मिलाकर ठीक है। रास्ते के अंदर कुछ पैच ऐसे हैं जो नहीं बने हैं अभी तक, और बाकी रोड है वो तैयार हो चुकी है। टंकी फुल कर दो, हाँ नंबर पर्ची निकाल देना और गाड़ी की नंबर लगा देना, ठीक है। तो गाइस हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं बड़ी मशक्कत के बाद। रोड यार मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 5 में से मैं 3 रेटिंग दूंगा इसको, फतेहाबाद से बूना वाले रोड को। तो अब कोई अच्छा सा होटल देखते हैं और चाय पीते हैं यार, मतलब बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, अब काफ़ी टाइम हो गया। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी ईंट पड़ी है उठाना है, उठा दोगे क्या या उठाऊं मैं? तो भाई आपको भी दिखे तो प्लीज़ इनको उठा दें, आपकी चाहे वो गाड़ी हो या फिर बाइक हो, किसी को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, बी सेफ। सारन हाईवे होटल पर पीते हैं चाय। काफ़ी लंबे टाइम बाद यार कोई अच्छा होटल आया है। हमने चाय पी ली अच्छी सी और अब फ़ोन को लगा देते हैं चार्जिंग पे थोड़ा, और मैप को देखते हुए चलेंगे क्योंकि अब बस हम अपनी डेस्टिनेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं, घंटे भर का रास्ता है। बाकी देखेंगे अभी थोड़े दिन के बाद एक राइड और प्लान करेंगे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ग्रुप वाली राइड है वो हमने की नहीं, तो देखेंगे कोई नेक्स्ट संडे या उससे अगले संडे को, मतलब जिस हिसाब से हमारा जो सिस्टम बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे। बाकी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखो यार। तो दोस्तों हम जो मंदिर है वो देख रहे हैं, मैं अब इस गांव में तो पहुंच चुका हूं, तो मंदिर पूछते हैं यहां पर किसी से कि हमें मंदिर में जाना है जहां पर कैप्सूल दिए जाते हैं। अंकल यहाँ रविदास का मंदिर, ये वाली सीधी पहली सड़क आ गई पक्की सीधी रविदास का मंदिर है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद जी। अरे यहाँ पर तो मतलब घाट बने हुए हैं, ये देखो गाइस लिखा हुआ है घाट 36, आगे पानी गहरा है, काफी प्राचीन जगह लग रही है। चलो आगे जाकर देखते हैं। और भाई साहब रविदास का मंदिर यही वाला है क्या? तो गाइज हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूं। हाँ कैमरा लगा है। हाँ जी कैमरा। किस वास्ते की फायदा था? ये जी मेरा यूट्यूब पे चैनल है। अच्छा। ये व्लॉग बना के मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो गाइज ये है रविदास का मंदिर। जी कहीं पे गए हुए हैं जिनसे मुझे थोड़ी नॉलेज लेनी थी इनके बारे में। तो गाइज ये है घाट नंबर 36, पहले ये फलगू के नाम से, ये टोटली जो आप एरिया देख रहे हैं ये देखो, इधर आप घाट देख पा रहे हैं, इधर भी एक घाट है और अभी मैं आपको लेके चलूँगा इधर एक फलगू मंदिर है, तो वो मंदिर मैं आपको दिखाऊँगा, काफ़ी प्राचीन मंदिर है तो उस मंदिर के दर्शन कराऊँगा मैं आपको। और ये है वो रविदास का मंदिर जहाँ से मुझे कैप्सूल्स लेने हैं, और ये काफ़ी गहरा है, इस पर लिखा हुआ भी है कि ये मंदिर है वो काफ़ी गहरा है। तो क्या मस्त लग रही है यार ये देखो गाइस। तो चलिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ फलगू मंदिर की ओर, बाकी व्लॉग में प्रॉपर बने रहे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फलगू ऋषि का प्राचीन मंदिर है, तो हम इसके अंदर चलते हैं इधर साइड। ए आंटी जी इधर ये जोड़ा है क्या? तू जहाँ तक आया गया। अच्छा ये भी है इनका वो टाट और लग गएगी सार। ठीक है, लेकिन थम भी फिर यू आ गए। अच्छा इसकी मूर्ति इधर ही जाएगी, कौन सी इधर रहेंगे। ठीक है जी ठीक है, न्यू मंदिर बनाएगी। अच्छा मंदिर बनाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। हेलमेट पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है? हेलमेट पड़ा है, चल मैं रह जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
थोड़ा सा बताओगे क्या आप फल्गु ऋषि के बारे में? बोलो क्या पूछना है? मतलब ये फल्गु किस नाम क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पे? आप कहाँ से हो? मैं ऊंची सिरसा से। हाँ जी, ये प्रसिद्ध जो है ना, ठीक है जी, ये हमारे पिंडदान के लिए, जैसे हमारे हरिद्वार है, ठीक है जी, देवा है, ठीक है जी, गया जी हैं, ठीक है, उस की तरह ये तीर्थ पवित्र है पिंडदान के। अच्छा, पिंडदान के लिए? हाँ, ठीक है जी। कितने साल पुराना है लगभग ये? महाभारत के। अच्छा, उस टाइम का ये? ये तो महाभारत के टाइम में जो कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था, हाँ, उस वक्त का, उससे जुड़ी चीजें हैं ये सारी, उसी के साथ जुड़ी हुई है। और महाभारत के समय में अमावस्या जो है वो श्राद्धों के अंदर आई ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तब कहते हैं कि युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि भाई कलयुग के अंदर, अच्छा, धक्के खाएगी, अर्थात कलयुग में बार बार आएगी। अच्छा, और धक्के भी खाएगी? धक्के खाने का मतलब ये है कि बार बार आना, बार तो बार अब तो नहीं आ रहे। उन जिस टाइम उन्होंने वेट किया तब तो वो आई नहीं, तब वो आई नहीं। ठीक है, ठीक है, कि भाई जब कलयुग आएगा ना तो आप बार बार आओगे, लेकिन आज भी बार बार नहीं आती। ठीक है, ठीक है, अब भी कई कई साल मतलब इसको लगते हैं, लगते हैं, टाइम लगता है। हाँ, ताऊ जी आप बताओ हमें कि फल्गु क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए यहाँ का जी ऋषि था, यहाँ इसने तपस्या की थी। ठीक है जी, तपस्या की थी। ठीक है जी, तभी से इसको मानने लगे सब, मानने लगे। ठीक है जी, और ये जो रविदास का जो मंदिर है जी, ये किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे? यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है हमको? यहाँ दवाई भी देते हैं जी। अच्छा, मंदिर में? अच्छा जी, बाबा जी। ठीक है जी, और बाबा जी यहाँ के सेवाकार हैं, यहाँ सब रोटी टुकड़ा भी देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, सब कुछ करते हैं, यहाँ पूजा भी पाठ भी। हाँ, आए हुए को जलपान भी कराते हैं, सब सारी सुविधा है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ, ठीक है जी, दवाई देते हैं जी। अच्छा जी, दवाई किन किन चीजों की है जी? गोड्डियों की भी है जी, मालिश करने की भी है। अच्छा जी, सांस की? अच्छा, सांस की दिक्कत हो? अच्छा जी, अच्छा, शुगर की भी मिलती है? शुगर की। ठीक है, ठीक है, एलर्जी? एलर्जी की, मतलब सभी प्रकार की हो। तो चलिए गाइज, अब निकलने का टाइम हो गया। मैंने काफ़ी टाइम लगाया यहाँ पे, वैसे दो ढाई घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे हुए। अच्छी चाय पी, अच्छा इनका लंगर था वो मैंने खाया, और अब निकलते हैं यहाँ से। पहली बार देखी है? कोई बात नहीं। बढ़िया भाई साहब, जय सहू फिल्म्स। क्या? जय सहू फिल्म्स। जय सहू फिल्म्स, हाँ जी। कहाँ से भाई? सिरसा। सिरसा, हाँ जी। ठीक है ताऊ जी, ओके। प्राचीन जगह है काफ़ी, तो घूमकर इस जगह पर काफ़ी अच्छा लगा वैसे, नाइस प्लेस, कभी ज़रूर विजिट करना, पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। तो अभी चलेंगे हम हिसार, हिसार से होते हुए चलेंगे, और हिसार से मिलेंगे अपने दोस्त कपीस से। उसको काफ़ी टाइम हो गया कि यार कब आ रहा है, कब आ रहा है, उसने वहाँ पे अपना कारोबार सेट कर रखा है। मोमो चलो कोई नहीं, आज इधर से आते हुए आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो के अंदर आपको कहीं पर कमी दिखती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि आइंदे से मैं ऐसी गलती है वो ना करूं, इसका मुझे पूरा ध्यान हो। और वैसे भाई देखो, अनुभव है वो टाइम के साथ धीरे धीरे होगा अनुभव, एकदम से नहीं होगा। मैं तीन गिनता हूँ, तीन गिनने के बाद मैं मिलूंगा आपसे हाईवे पे। 1, 2, 3। तो गाइज पहुंचने तो हिसार थे, पर रास्ते में एक थोड़ी दिक्कत आ चुकी है। बाइक की जो नीचे की जो क्रैश गार्ड के अंदर जो लाइट लगी हुई है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है। ये देखो, मैंने ध्यान कर लिया, ये नट बस निकलने ही वाला था। तो गाइज थोड़ी मेहनत के बाद हमने लाइट को खोल लिया और हमने बैग में डाल ली। अगर तुम बोलो तो एक बार फिर करते हैं 1, 2, 3, तब पहुँच देंगे हिसार। तो अगर दोबारा 1, 2, 3 करेंगे तो मेरे हिसाब से आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली,
तो 1, 2, 3 करने पर हिसार पहुंच जाएंगे। तो फिर से करते हैं एक बार, 1, 2, 3। दोस्तों रास्ते में 1, 2, 3 किया, पर यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी का। चोट चार तो नहीं मिली लगी किसी को? चोट तो नहीं लगी किसी को? चलो हाँ करो, बिल्कुल करो। राम राम। अरे भाई नहीं नहीं KTM। अरे वो खा जाएगा काका। J100 फिल्म्स मैं लिख देता हूँ। ये लो भाई साहब, अभी बस शुरुआत ही की है, थंबनेल यही डालूं मैं इसका। चोट नहीं लगी किसी को है? ना, चलो बढ़िया है। ओहो अपना ही होटल है। कौन सा? अच्छा ये वाला, ठीक है। वो तो कैमरा देख के भाग जाऊंगा मैं। रूट राइडर नाम से चैनल है। अच्छा पीछे बैठ जाऊं क्या मैं? जैसी आपकी मर्जी। और यार विल्ली विल्ली मत करिए यार। अच्छा हाँ चला के देख लो, थोड़ी चला के देखनी है वैसे। 200 भी इतनी जाना है तो और के। वो फिर आएंगे दोबारा कभी, चक्कर लगता ही रहता है। दोबारा चक्कर मारेंगे भाई साहब। यार इसार भाई वेट कर रहा है यार, एक फिर भी लें यार। हैं नहीं नहीं इसार भाई है यार, कोई वेट कर रहा है। चाफी देंगे माइलेज चलाने पे बात है, मतलब कम से कम 30 और ऊपर से ऊपर 35 से ऊपर दे देती है। हाँ सिटी में यही 32 30 ये आएगी। कैमरा ये सभी को रिकॉर्ड कर रहा है। J100 फिल्म्स कर लियो भाई। अंकल आपकी वीडियो कहाँ पर आ रही है? YouTube पे आएगी। क्या आइडिया कब आओगे अंकल आप? अभी कैमरा ऑन है, व्लॉग आएगा ये प्रॉपर। मैं कैथल जाके आया हूँ। हाँ चल रहा है कैमरा। व्लॉग आएगा बिल्कुल। चलो ठीक है भाई साहब, मिलकर बड़ा अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कभी। भाई बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यार इसार में भाई वेट कर रहा था, नहीं तो चाय पीते। इसार में भाई वेट कर रहा है, नहीं तो चाय पीते यार। ठीक है ओके ओके। तो भैया भाई साहब ने बड़ा यार रिस्पेक्ट दिया, तो बड़े अच्छे भाई थे। भाई ने चाय ऑफर की, पर मैं थोड़ा जल्दी में था क्योंकि कपीस है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, नहीं तो भाई साहब के साथ चाय बैठकर खूब बातें करते। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे कभी। तो काफ़ी अच्छे बंदे थे यार। तो भैया ऐसे ऐसे बंदे जुड़ते जाते हैं आपके साथ, मिलते जाते हैं, आपका ग्रुप है वो और बढ़ता जाता है। तो हिसार के अंदर है वो, हम पहुंच चुके हैं, तो अभी हमें जाना है HAU। तो ठीक है चाय पी ली हमने दो बार, काफ़ी टाइम लग गया, पता ही नहीं चला टाइम का। ये हुई ना बात। भैया ये क्या कर रहा है? देखो देखो रे, अरे अरे भैया ऐसे मत करो यार। तो अपनी गाड़ी ने फ्यूल है वो पूरा ख़त्म कर दिया है, जो टंकी भराई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब टंकी भरवाने का टाइम आ गया है, दोबारा से करवाते हैं टैंक को फुल। टंकी फुल करनी है भाई साहब, और नंबर लगाने हैं बाइक के। बाइक ये वाला मॉडल कितने रुपए का है नया?
ये है समथिंग 225। हाँ ये क्या लगा हुआ इसके? ये कैमरा। क्या करते हो आप? व्लॉगिंग। अच्छा यूट्यूब चैनल। हाँ जे सऊ फिल्म्स। जे सऊ फिल्म्स। हाँ ठीक है ओके भाई साहब। सीधा जे लिखा फिर स्पेस सऊ स्पेस हाँ फिल्म्स, ये ऊपर वाला आ गया और ये वाला है जी। जे सऊ फिल्म्स। अरे भाई व्लॉग में आओगे आप? कैमरा ऑन है साथ में पीछे बैठ के। फिर कभी घर पे जा रहा हूँ यार, लेट हो रहा हूँ, वेट कर रहे हैं। हाँ यही यही ओके बाय। ये अरे वाह यार, मतलब सब्सक्राइबर अपने मिलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और भाई लोगों का प्यार है वो इसी प्रकार बना रहे कि यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, 100 110 चला सकते हैं। मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है व्लॉगिंग के, व्लॉगिंग करते हुए समथिंग 2 महीना हुआ है मेरे को अच्छे से, और अब मैं रेगुलर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं पे भी। अप्रैल में मैं लद्दाख करूँगा और बीच में छोटी मोटी राइड हैं वो होती रहती है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, बस आप साथ देते रहना, बस मुझे यही चाहिए। जय बालाजी महाराज की। तो गाइज हम आ चुके हैं भट्टू के नज़दीक। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, व्लॉग को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें सब्सक्राइब करें। विलेज में घुसते ही आपको काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ये देखो अंकल सभी लोग देखते हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ हाँ लिस्ट बना हुआ है नू मालिक मूवी बना हुआ है। हाँ हाँ फिल्म बना हुआ है। हाँ यूट्यूब पे चैनल है मेरा। हाँ ये बोलो मैं यार मो कई बार देखे हैं मालूम तू जब मो या मोटरसाइकिल आ गया। अच्छा हाँ यूट्यूब पे चैनल है ना, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ डालता रहता हूँ यूट्यूब पे जहाँ पे भी जाता हूँ। हाँ आपका नंबर है? आपका नंबर? मेरा नंबर नहीं, यूट्यूब पे चैनल है मेरा, उस पर कॉमेंट कर देना कोई भी बात हो, उस पर कॉमेंट कर देना आप। मैं सारी रिप्लाई जे स्पेस सऊ। आपके पास फ़ोन नहीं है क्या? फोन तो है। हाँ तो उसमें लिखना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना जे स्पेस सऊ स्पेस फिल्म्स, जे सऊ फिल्म्स, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है ओके जी ओके। तो ऐसे ही भाई लोग साथ देंगे ना तभी मज़ा आएगा। 10 मिनट में हम अपने घर पे होंगे, तो टाइम से घर भी पहुंच गया, सुबह जल्दी निकला था इस वजह से। तो चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चने देवा, इसी तरह से मेरी हर राइड्स को सेफ बनाना। तो चलिए गाइस ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।